फ्रॉम शाहजी नगर बीएमसी इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मराठी अक्षर भारती. मराठी विषयातील आज आपण पत्र लेखन हा टॉपिक आहे आपला. प्रश्नपत्रिका, आपल्या मराठी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विभाग 5 सेक्शन 5 मध्ये जो उपयोजित लेखन हा जो पाठ असतो त्यामधला प्रश्न पाचवा अ असा प्रश्न हा येतो. हा क्वेश्चन येतो तर पुढील पैकी कोणतीही एक कृती सोडवा गुण 6. 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन ऐसे दो दो टॉपिक रहते हैं. एक तो आपको पत्र लेखन लिखना है, नहीं तो आपको सारांश लेखन लिखना है. पत्र लेखन सबको पता है लेटर राइटिंग, और सारांश लेखन है समरी राइटिंग. ओके समरी लिखना पड़ता है जो आपको अनसीन पैसेज या जो भी पैसेज ऊपर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो पैसेज को आपको समरी राइटिंग करना लिखना है सारांश लेखन, नहीं तो आपको पत्र लेखन लिखना है. दोनों में से आपको एक कोई भी लिखना है और वो रहता है 6 मार्क्स के लिए. अभी यहाँ पे देखो सारांश लेखन तो क्या है मराठी में समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कभी कभी, पर पत्र लेखन के लिए बहुत हमें आज बहुत इजी टॉपिक या इजी टिप्स आपको मैं बताऊंगी कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाएगा या कैसे लिखते हैं. अभी यहाँ पे मैं आपको पत्र लेखन को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हो, क्या मतलब क्या है, पत्र लेखन के प्रकार क्या है, वो सब मैं आपको आज आज के लेक्चर में बताने वाली हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है पत्र लेखन लेटर राइटिंग. ओके सगळ्यात आधी आपण पत्र लेखन म्हणजे काय ते आधी जाणून घेऊया. पत्र लेखन सबको पता है पुराने जमाने से. देखो पहिले जब पत्र लेखन जब लिखा नहीं जाता, पढ़े लिखे नहीं रहते थे लोग, तो क्या करते थे, राजा रानी वगैरह सब वो लोग रहते थे उस टाइम पे. वो लोग क्या करते थे कि जब पेपर पे लिख के कैसे पे पत्र भेजते थे, कबूतर के मुंह में डाल के वो चिट्ठी वो एक दूसरे को भेजा जाता था. उसके बाद बहुत सारे मतलब आप देख सकते हो कितने चेंजेस आ गए हैं. और आज हम देख सकते हैं कि आज हमें हम पत्र लेखन नहीं तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे हम ईमेल सेंड करते हैं, व्हाट्सएप सेंड करते हैं, तो इतने सारे चेंजेस आ गए. तो पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन मतलब क्या. ठीक है देखो पत्र लेखन म्हणजे काय मराठीतून बघूया आपण. पत्र लेखन ही कला आहे. ओके पत्र लेखन मतलब एक स्किल है. किसी पैसे ही कुछ भी लिखना है किसी को ऐसे नहीं रहता है, वो भी एक स्किल है, आर्ट है. ठीक है पत्र लेखन ही कला है. आपल्या मनातले भाव किंवा विचार दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे तसेच आपल्या भावना किंवा विचारांचे चांगल्या भाषेत संक्रमण करण्याचे पत्र हे एक उत्तम लिखित साधन आहे. तुम्ही मागील वर्षी ही पत्रलेखन या घटकाचा अभ्यास केलेला आहे. ते पत्रलेखन तुम्ही पारंपरिक पद्धतीने करत होता, आता तुम्ही तंत्रज्ञान युगात वावरत आहात आणि संगणक भ्रमण ध्वनी इंटरनेट ईमेल यांद्वारे तुमची तंत्रज्ञानाशी गट्टी ही झाली आहे. क्या मतलब है इसका कि आज हम आज के जमाने में हम देख सकते हैं कि हम मोबाइल पे इंटरनेट पे इतने हम ये हो गए कि हम इजीली एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं कितने भी हम दूर रहे एक दूसरे से. फोनचा वापर वाढल्यानंतर पत्र लेखनाची गरज काहीशी कमी झालेली आहे. असे असले तरी अनौपचारिक पत्रात आपल्या भावना शब्दात प्रभावीपणे व्यक्त करता येणे हे आवश्यक कौशल्य आहे. देखो क्या बोला है कि हमने फोन का इतना यूज किया है कि हमें पत्र लेखन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि हर बार पेपर निकालो पेपर पे लिखो और किसी के हाथ में या पोस्ट में जाके डालो. ठीक है हम क्या करते हैं अभी अभी के जमाने में हमारे लिए इजी क्या है, ये कि मोबाइल में हम मेल कर देते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर देते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा. पर क्या रहता है कुछ अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब कुछ ऑफिशियल चीजें रहती है उसके लिए कैसे भी हम किसी को भी मैसेज या मेल नहीं सेंड कर सकते. उसके लिए फॉर्मेट रहता है, उसके लिए कुछ ऑफिशियल हमें लिखना बहुत जरूरी है. तो वो भी एक स्किल है कि कैसे लिखना चाहिए. ओके तसेच औपचारिक पत्रासाठी आपले म्हणणे विचार मागणी पत्र मागणी तक्रार विनंती इत्यादी गोष्टी योग्य व कमी कमी शब्दात संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे आवश्यक कौशल्य आहे. आजही पत्रलेखन ही कला आत्मसात करणे आवश्यक आहे. यापुढे तंत्रज्ञानाच्या लेखन पद्धतीने आपले लेखन कौशल्य प्रकट व्हायला हवे. पत्रलेखनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे. यापुढील काळात तुम्हाला मेल पाठवण्याचे तंत्र अवगत करावे लागणार आहे. म्हणूनच या वर्षी आपण पत्राचे प्रारूप हे नवीन तंत्रज्ञानानुसार मेल पाठवण्याच्या पद्धतीनुसार लक्षात घेणार आहोत. ठीक है तो हमें पत्रलेखन लिखना है, पर कैसे लिखना है, तो जैसे हम मेल करते हैं तो मेल ईमेल करते हैं
तो मेल में कैसे लिखते हैं, तो वो उस टाइप में हमें पत्र लेखन यहाँ पे लिखना है। स्टूडेंट्स, तो देखो पत्र लेखन का मतलब हमें समझ में आया है। तो पत्र लेखनाचे प्रकार, अभी देखो पत्र लेखनाचे प्रकार प्रकार कौन से है, टाइप्स ऑफ लेटर। तो यहाँ पे दो लेटर आते हैं टाइप्स ऑफ, सबको पता है, हम पहले से देखते आए कि पत्र लेखनाचे दोन प्रकार है, औपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन को इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक पत्र लेखन को हम बोलते हैं क्या, इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो टाइप है देखो, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लेखन। अभी अनौपचारिक पत्र लेखन मतलब क्या, यहाँ पे दो टाइप है, अनौपचारिक पहले हम देखेंगे। अनौपचारिक को कैसे, क्या बोलेंगे हम लोग, इनफॉर्मल। याद रखो इनफॉर्मल जो पत्र रहते हैं क्या रहता है, तुम लोग इंग्लिश में आपको बराबर बता रहता है, पर मराठी में ये जो वर्ड है अनौपचारिक और औपचारिक, इसमें कंफ्यूजन होता है। इसके लिए अनौपचारिक ये जो है इनफॉर्मल रहता है, जो कौटुंबिक जवळच्या जिव्हाळ्याच्या व्यक्तीला पाठवले जाणारे पत्र। मतलब क्या, तो यहाँ पे ये जो पत्र लेखन रहता है वो हम अपनी मम्मी डैडी फ्रेंड्स रिलेटिव्स इनको हम पत्र लिखते हैं, जो अपने नजदीक रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो हो गया इनफॉर्मल। स्टूडेंट्स, औपचारिक में क्या होगा, तो औपचारिक जो पत्र लेखन रहता है वो फॉर्मल रहता है, जिसमें मांगनी पत्र रहता है, विनंती पत्र आता है, अभिनंदन पत्र आता है, बहुत सारे आते हैं इसमें। ठीक है, मतलब क्या, ऑफिशियल कार्यालयीन वो व्यावसायिक पत्र, ये ऑफिशियल पत्र। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग को टीचर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, या कुछ पूछना है, या अपने प्रिंसिपल को स्कूल में देना है, किसी ऑफिस में देना है, तो वो हो गया औपचारिक पत्र लेखन। स्टूडेंट्स, तो औपचारिक को क्या बोलेंगे हम, फॉर्मल लेटर। तो यही आज हम औपचारिक पत्र लेखन देखने वाले हैं कि औपचारिक पत्र लेखन में कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट कैसे रहता है, औपचारिक पत्र लेखन कैसे लिखना है, वो आज मैं तुम लोग को औपचारिक पत्र लेखन बताऊंगी। आता औपचारिक पत्र म्हणजे का, आधी अपन बघूया। जैसे मैं तुम्हाला बोलली कि औपचारिक पत्र लेखन म्हणजे फॉर्मल लेटर, जे ऑफिशियल लेटर आहे, दैनंदिन जीवनात आपली अडचणी सोडविण्यासाठी किंवा काही सुविधा मिळण्यासाठी आपल्याला शासकीय कार्यालयात किंवा खासगी कंपन्यांच्या कार्यालयात जावे लागते। आपली कामे व्हावीत म्हणून या कार्यालयात आपल्याला पत्रे सादर करावी लागतात, या पत्रांना औपचारिक पत्रे असे म्हणतात। देखो औपचारिक पत्र किसको बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि शासकीय कार्यालय, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में हम जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, कुछ प्राइवेट कंपनी में अगर हमें अप्लाई करना है, किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो हम ऑफिशियल जब लेटर लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र रहता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम औपचारिक पत्र। अभी देखो औपचारिक पत्र लेखन में कौन से प्रकार आते हैं। औपचारिक पत्राचे पुढील प्रमाणे काही उपप्रकार मानले जातात, जैसे निमंत्रण पत्र, जैसे किसी को इन्विटेशन देना है तो इन्विटेशन के लिए हम पत्र लिखते हैं। आभार पत्र, किसी को थैंक्स बोलना है तो थैंक्स करने के लिए हम पत्र लिखेंगे। अभिनंदन पत्र किंवा गौरव पत्र, अभिनंदन करना है किसी का, कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, या किसी को हम किसी का गौरव करना है, अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड या कोई रिलेटिव फर्स्ट नंबर में आया तो उसको कैसे हम लेटर लिखेंगे, तो उसका गौरव कैसे करना है वो। उसके बाद चौकशी पत्र, किसी की इंक्वायरी करना है, किसी चीज की इंक्वायरी करने के लिए ऑफिस में हम लेटर लिखते हैं, तो वो हो गया चौकशी पत्र। नेक्स्ट है क्षमा पत्र, क्षमा पत्र मतलब किसी से क्षमा मांगनी है तो क्षमा पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद है मांगनी पत्र, मांगनी पत्र मतलब है डिमांड लेटर, जिसका अगर कोई सी चीजों की हमें डिमांड करनी है तो हम कैसे पत्र लिखना चाहिए, हमें कैसे फॉर्मेट लिखना चाहिए, वो आएगा औपचारिक पत्र लेखन में। विनंती पत्र मतलब रिक्वेस्ट लिख करना, किसी से विनंती करना है, रिक्वेस्ट करना है किसी चीज के बारे में, या कुछ बताने के लिए, या कुछ चीजों के बारे में, तो वो आप विनंती पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तकरार पत्र, तकरार करना है, किसी को कंप्लेंट करना है तो कंप्लेंट करने के लिए भी लेटर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे तुम लोग बस से ट्रेवल करते हो, बस में बहुत क्राउड हो रहा है, तो बस का फ्रिक्वेंसी कम है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कहाँ पे कंप्लेंट करोगे, बस डेपो में कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वहां पे आप तकरार पत्र कर सकते हैं। ठीक है, या किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, या कंप्लेंट
कहीं पे कुछ झगड़ा हुआ या कुछ किसी वजह से, तो वहां पे भी आप तकरार पत्र करते हैं। पर मोस्टली अभी आपको जो पत्र लेखन में जो आएगा, तो उसमें ये औपचारिक पत्र लेखन जो है उसमें मांगनी पत्र, विनंती पत्र, अभिनंदन पत्र ये मोस्टली आपको पूछा जाता है। ठीक है, मांगनी पत्र जैसे मैंने अभी बताया, मांगनी पत्र को हम क्या बोलेंगे, डिमांड लेटर। विनंती पत्र रहता है वो रहता है, रिक्वेस्ट करना रहता है वो पत्र मोस्टली पूछा जाता है। और अभिनंदन पत्र भी आता है, जैसे किसी को अभिनंदन करना है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, तो वो पत्र आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम औपचारिक पत्र लेखन ही आज देखने वाले हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और पत्र लेखन का जो एक एग्जाम्पल भी आपको पूरा कैसे लिखना है वो बताऊंगी। ठीक है, पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र लेखन में किस तरह से हमें शुरुआत करनी है। कुछ वर्ड्स ऐसे कॉमन वर्ड्स रहते हैं जिसको हमें यूज करना रहता है लेटर में। अगर आप अच्छे से सिक्वेंसली पे लेटर लिखोगे तो वैसे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि राइटिंग स्किल मराठी में, मराठी सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करते नहीं है, पत्र लेखन देख के ही डरते हैं, क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है। तो इसके लिए वो जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका यूज करना है आपको। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको वो समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो औपचारिक पत्र लेखन कैसे लिखना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है प्रति। अभी प्रति ये जो वर्ड है ये कॉमन है, जैसे हम इंग्लिश में टू लिखते हैं, टू लिखने के बाद नीचे हम द प्रिंसिपल या द टीचर ऐसे लिखते हैं, तो पहले जो टू लिखा जाता है उसको हम मराठी में बोलते हैं प्रति। ओके, प्रति नंतर खालील ओळी जिला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव, त्याखाली तिचा हुद्दा व संपूर्ण पत्ता लिहावा। प्रति लिखने के बाद आपको नीचे आपको क्या लिखना है, याद रखो प्रति और प्रेषक में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो उसको यहाँ पे प्रति यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम और एड्रेस आपको पूरा पूरा एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सब्जेक्ट, अभी विषय, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र लिखने वाले हैं, तो आपको विषय लिखना बहुत जरूरी है कि आपका विषय क्या है, आपका टॉपिक क्या है, तो वो लिखना आपको जरूरी है। विषय असा शब्द लिहून या पुढे त्या पुढे मोजक्या शब्दात पत्राचा विषय लिहावा। मोजक्या शब्दात मतलब विषय, जो सब्जेक्ट आप लिखने वाले हो वो बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट रहना चाहिए। ओके, मतलब एक ही सेंटेंस में छोटा सेंटेंस रहना चाहिए, ज्यादा बड़ा विषय नहीं रहना चाहिए। पत्राचे लेखन मुद्दे सूत असावे, जो पत्र आप लोग लिखने वाले हो सिक्वेंसली अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, कैसे भी नहीं, स्टार्टिंग कैसे करना है, मिडल पार्ट कैसे लिखना है, एंड कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज देखो, पत्र ज्या कारणाने पाठवले असेल त्याचा आशय नेमक्या शब्दात मांडावा। किस कारण के, किस रीजन के वजह से आप पत्र लिख रहे हो, वो मेन जो मेन मैटर है, मेन जो पॉइंट है वो आपको लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो आपको यहाँ पे दूसरा कुछ भी ऐड नहीं करना है। जिस तरह हम इनफॉर्मल में अपनी फ्रेंड से, अपनी मम्मी डैडी से बात करते हैं, वैसे यहाँ पे बात नहीं करना है, वैसे यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस यूज नहीं करना है। पत्रात पाला फाटक सॉरी फापट पसारा नसावा, भाषा आदरयुक्त असावी। जो हम लैंग्वेज यूज करने वाले हैं वो एकदम रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, तो ऑफिशियल लेटर सामने वाला रीड जब करेगा तो उसको वो रीड करने को अच्छा लगना चाहिए, मतलब वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में हमें वो यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंग्लिश में सर, रिस्पेक्टेड सर ऐसे यूज करते हैं, तो वैसे हमें थोड़ा आदरयुक्त लैंग्वेज यूज करना है। ठीक है, पण सलगीची नसावी, शेवटी पत्र लेखनाचा पत्ता लिहावा चा नमुना आवश्यक आहे। पत्र होने के बाद उसके बाद क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। अभी मैं आपको पूरा सिक्वेंसली अच्छे से बताऊंगी कि फॉर्मेट कैसे होना चाहिए पत्र लेखन में, फॉर्मल लेटर में। यहाँ पे देखो पत्र लिहायची व्यक्ति, अभी कौन सी, अभी इसमें हम ऑफिशियल रहेगा तो इसमें अधिकारी, कारखानदार, शिक्षक, सम्माननीय व्यक्ति, सम्माननीय मतलब बड़े लोगों के लिए ज्यादा करके लेटर लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स दिए हैं इसके लिए, कभी कभी हम प्रिंसिपल को भी लेटर लिखते हैं, मैनेजर को लेटर लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में मराठी में हम व्यवस्थापक बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मायना, मायना मतलब क्या, जो इससे शुरुआत की जाती है, महाशय। यहाँ पे मैं मराठी में आपको एक इजी वर्ड बताऊंगी कि हम महोदय लिख सकते, नहीं तो महोदया लिख सकते, महाशय की जगह माननीय महाशय लिखा है उस जगह पे। ठीक है,
सनवीवी श्री, या सनवीवी मतलब ये हमें क्या बड़े लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, परम पूज्य प पू, गुरु गुरुवर्य सादर नमस्कार, मतलब रिस्पेक्टफुल हमें लैंग्वेज यूज करना है, आदर युक्त, इसके लिए हमें उनको पहले नमस्कार करना है, फिर हमें पत्र लिखना है। ओके, उसके बाद जो शेवट हम लोग करने वाले हैं, आपला की व आपली नम्र, या आपला विश्वासु, ऐसे भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट में जो इजी वर्ड है, आपली आपला नम्र की व आपली नम्र, ये वर्ड इजी है, नहीं तो आपला विश्वासु आपली विश्वासु, ऐसे वर्ड यूज करना है। याद रखो, अगर कोई लड़का है तो वो आपला विश्वासु ऐसे लिखेगा एंड में, अगर लड़की है तो वो आपली विश्वासु, ऐसे लिखना है। ओके, अभी देखो मैं फिर से और एक बार अच्छे से आपको बताती हूँ सिक्वेंस लिख के कैसे हमें पत्र में लिखना है। देखो, औपचारिक पत्र लिखता ना बाळगायची दक्षता, कि क्या हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे हमें पत्र लेखन लिखना चाहिए। देखो, अभी आपको पता है, अभी 1-1.5 साल हो गया है, 2 साल की हमारा जो पत्र लेखन का फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है, जैसे पहले था वैसे नहीं है। और आप सबको पता है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो पत्र लेखन हम लिखने वाले वो पूरा लेफ्ट साइड से हमें लिखना है, डाव्या साइड ला। ओके, पत्राची सुरुआत करता ना वरचा डाव्या कोपरात दिनांक लिहावा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट लिखना है, दिनांक मतलब क्या, डेट डालना है। ठीक है, जो भी अगर डेट, अगर आपको क्वेश्चन में डेट दिया होगा तो आपको वो डेट डालना है, नहीं दिया है तो आप खुद से डाल सकते हो, पर दिनांक डालना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेषक व प्रति, यांची नावे दिलेली असल्यास तीस लिहावी। अभी प्रेषक व प्रति, प्रति जैसे मैंने बोला है, जिसको हमें लिखना है और जो लिखने वाला है, अगर उसका नाम लिखा है क्वेश्चन में दिया है तो ही लिखो, अन्यथा अ ब क किंवा तत्सम अक्षरे लिहावी सही करू नहे। क्या लिखा है देखो, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कोई बच्चे का या गर्ल का या बॉय का नाम लिखा है, या जिसको लिखना है उसका नाम लिखा है, तो ही आपको नाम यूज करना है, अदरवाइज आपको अ ब क ऐसे ही लिखना है, किसी का नाम नहीं लिखना है, आपका खुद का नाम यूज नहीं करना है इसमें, और सही सिग्नेचर नहीं करना है, याद रखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, तो प्रेषक व प्रति यांचे पत्ते जर प्रश्न पत्रिकेतील असतील तर ते लिहावेत, पत्ते दिलेले नसतील तर ते काल्पनिक लिहावेत। देखो, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर प्रेषक और प्रति का हमें एड्रेस दिया है क्वेश्चन में तो वो हम लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो हमें वो काल्पनिक लिखना है, काल्पनिक मतलब इमेजिन करके अपने मन से लिखना है, सचमुच का एड्रेस यहाँ पे यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, तो त्याच्यानंतरच्या ओळीत आवश्यकतेनुसार महोदय महोदया किंवा महोदया हे संबोधन लिहावे आणि स्वल्पविराम द्यावा। जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड सर ऐसे बोलते हैं ना, रिस्पेक्टेड मैडम, तो उसे स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे मराठी में आपको एक ही वर्ड यूज करना है, महोदय। ओके, या महोदया, अभी महोदय हम एक जेंट्स को बोलेंगे और महोदया लेडीज को बोला जाता है। ओके, अब जैसे है वैसे आप महोदय यूज करके कॉमा डालना है, स्वल्प विराम का मतलब है कॉमा, कॉमा डाल के फिर नेक्स्ट लाइन से हमें पत्र लेखन स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, त्यानंतरच्या ओळीत मजकुराला सुरुवात करावी, आपला विश्वासू, आपला कृपाभिशाली या किंवा यांसारख्या शब्दांनी शेवट करून त्याखाली आवश्यकतेप्रमाणे अ ब क किंवा नाव आणि पत्ता लिहावा। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको जो लेटर होने के बाद आपको लिखना है, जैसे युअर्स फेथफुली हम इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे ही मराठी में आपला विश्वासू। ठीक है, आपला विश्वासू ये वर्ड याद ही रखना है, प्रैक्टिस करके ही रखना है, कि देखो जैसे कुछ वर्ड मैंने बताए, जैसे प्रति है स्टार्टिंग का, जो स्टार्टिंग में आप प्रति लिखने वाले हो, उसके बाद है महोदय वर्ड कॉमन है, उसके बाद अभी जो लास्ट का वर्ड मैंने बताया अपला विश्वासु, ये वर्ड कॉमन है, तो ये कुछ वर्ड्स आपको याद करके रखना है, कि हमें यहाँ पे बराबर जो फॉर्मेट है वो याद करो और वहां पे हमें ये वर्ड्स यूज करना है। अपला कृपाभिशाली भी वर्ड इजी है, अगर आपको अच्छे से वो स्पेलिंग अच्छे से प्रॉपरली आता है लिखने को तो आप लिख सकते हो, पर राइटिंग करके ही आप लेटर का प्रैक्टिस करो, सिर्फ रीड करके प्रैक्टिस नहीं होगा लेटर का। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में अगर नाम रहेगा तो ही आप नाम लिखो, नहीं रहेगा तो आपको अ ब क ऐसे वर्ड यूज करना है और फिर एड्रेस लिखना है। पत्र होने के बाद, एड्रेस होने के बाद लास्ट में एंड में आपको क्या लिखना है, तो पत्यानंतर पत्र लेखकाने स्वतःचा ईमेल आईडी लिहावा। अभी यहाँ पे ईमेल आईडी क्या है, तो जो ईमेल आईडी पता है ना सबको, ईमेल एड्रेस रहता है वो आपको लिखना है, पर यहाँ पे आपको आपका खुद का ईमेल आईडी, सचमुच का ईमेल आईडी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको कोई भी एक ईमेल आईडी ऐसे बना के रखना है, जैसे abc@gmail.com, abc123@gmail.com ऐसे बना के रखो और वही आपको यूज करना है और लिखना है। खुद का नाम लेके या खुद का नाम यूज करके, किसी का नाम यूज करके आपको ईमेल आईडी नहीं बनाना है, या आपको सचमुच का आपका ईमेल आईडी रहेगा तो वो भी आपको नहीं लिखना है। आपको जैसे मैंने अभी बताया तो वो आप ईमेल आईडी बना के लिख सकते हैं, पर ईमेल आईडी लिखना जरूरी है क्योंकि हम जो पत्र लेखन लिखने वाले वो ईमेल पत्र लेखन है, ठीक है, तो इसके लिए ईमेल लिखना जरूरी है सबसे लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपना जो है औपचारिक ई पत्राचा आराखड़ा, मतलब क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा जो है डाव्या बाजू में मतलब लेफ्ट साइड में आपको पूरा जो पत्र लेखन, यहाँ पे लेफ्ट साइड से ही लिखना है, राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है, लेफ्ट साइड से पत्र लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि दिनांक, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट लाइन में डेट आएगा, ठीक है, दिनांक लिखना है। उसके बाद आपको जैसे मैंने कॉमन वर्ड बताया, जैसे प्रति, ये वर्ड कॉमन है तो ये प्रति यहाँ पे लिखना है। उसके बाद माननीय जो है, माननीय, अभी माननीय में क्या आएगा, यहाँ पे जो माननीय शिक्षक या माननीय मुख्याध्यापक, माननीय व्यवस्थापक, जिसको लिखना है वो आपको आगे लिखना है, और नीचे आपको अगर एड्रेस दिया है तो वो लिखो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा महोदय, उसके बाद नीचे क्या आएगा, महोदय। जैसे मैंने बताया हम इंग्लिश में लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, महोदय। ये वर्ड भी कॉमन है, देखो ये जो तीन चार वर्ड है वो आपको याद करके रखने है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो महोदय के ऊपर मैंने आपको ये नहीं बताया, देखो पत्राचा विषय, ओके, क्या है ये पत्राचा विषय, मतलब क्या, सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना जरूरी है क्योंकि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो हमें शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद हमें अभिवादन, मतलब क्या करना है, महोदय ये वर्ड यूज करके कॉमा देना है, स्वल्प विराम देना है। स्वल्प विराम देने के बाद हमें पत्र लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन दी है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और लेटर लिखने के टाइम हमें पैराग्राफ नहीं बनाना है, याद रखो। ओके, जैसे हमने महोदय लिखा, कॉमा दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें स्टार्ट करना है पत्र, और पत्र लिखना है, डायरेक्ट पत्र लिखना है। यहाँ पे हमें कुछ भी क्या करना नहीं है, पैराग्राफ नहीं बनाना है, जो भी मैटर है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमें किसके लिए लिखना है, क्या रीजन से हम लिख रहे हैं, वही हमें इसमें एड करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आएगा इथे पत्राचा शेवट, मतलब यहाँ पे जब शेवट मतलब क्या, एंड होने वाला है, ठीक है। एंड होने के टाइम पे हम, मैंने क्या बोला था आपको, क्या लिखोगे यहाँ पे, तो अपना विश्वासु। अभी यहाँ पे लिखा नहीं है पर आपको ये वर्ड कॉमन है, जो वर्ड आपको लिखने वाले, अपना विश्वासु, याद रखो। ये साइड हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें सब भी पूरा जो है वो लेफ्ट साइड में ही लिखना है पूरा पत्र। ओके, तो यहाँ पे आएगा अपला विश्वासु, उसके बाद अपला विश्वासु के बाद यहाँ पे नेम रहेगा दिया, तो नेम लिखो, नहीं तो अ ब को आएगा और पूरा एड्रेस यहाँ पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एड्रेस होने के बाद सबसे लास्ट हमें क्या लिखना है, लास्ट में ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल आपको जैसे मैंने अभी बताया कि ईमेल एड्रेस कैसे लिखना है, ईमेल आईडी कैसे बनाना है, तो abc@gmail.com ऐसे कुछ बना के आपको रखना है ताकि आप यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ये जो है फॉर्मेट वो आपको अच्छे से याद करके रखना है, और वो औपचारिक पत्र लेखन में हमें यही लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी ये यहाँ पे मैंने एक
इजी क्वेश्चन लिया है जो आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने मतलब ये अच्छे से आपको समझ में आएगा इसके लिए ये क्वेश्चन लिया है। या आपका प्रैक्टिस भी हुआ होगा, मे बी आपने ये रीड भी किया होगा, लिखा भी हुआ होगा, तो हम फिर से और एक बार अच्छे से ये समझ के लेंगे। फर्स्ट थिंग क्या है कि पत्र लेखन में जब क्वेश्चन आता है तो वो आपको अच्छे से प्रॉपरली पहले रीड करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं आप कि डायरेक्ट नीचे क्या लिखा है, कौन सा है, क्या है, वो लिखते हैं, पर किसको लिखना है, क्यों लिख रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, वो आपको नहीं समझ में आता है। मराठी में मोस्टली स्टूडेंट्स रीडिंग करने के लिए बहुत ये करते हैं, कंटाला करते हैं या रीड प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं कि उनको लगता है हम एड्रेस लिखेंगे या नाम लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलता है, तो इतना नहीं है। तो आपको अच्छे से जैसे मैंने अभी फॉर्मेट बताया वैसे आप प्रॉपरली लिखोगे तो आप अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पहले हमें ये जो बॉक्स है पूरा ये बॉक्स हमें पहले रीड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, झाड़े लावा झाड़े जगवा जगवा हिरवाई ट्रस्ट तळेगाव दाभाडे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त रोपांचे मोफत वाटप दिनांक 5 जून संपर्क हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग तळेगाव दाभाडे। देखो मैं आपको कैसे पत्र लिखना है वो भी बताऊंगी, पहले हम जो क्वेश्चन है वो समझ के लेंगे कि क्या है ये। ओके, यहाँ पे जो जागतिक पर्यावरण दिन होने वाला है एनवायरमेंटल डे रहता है 5 जून को। ओके, तो 5 जून को ये एनवायरमेंटल डे है वो सेलिब्रेशन के लिए क्या होने वाला है, हिरवाई ट्रस्ट ये जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्ट के तरफ से रोपांची मुफ्त वाटप मतलब जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं उनको फ्री में वाटअप मतलब क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो ये जो छोटे पौधे हैं रोप मतलब छोटे पौधे रहते हैं ठीक है, उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और कभी होने वाला है तो दिनांक 5 जून 5 जून को ये होने वाला है। नीचे दिया है संपर्क कांटेक्ट करना है तो हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग तळेगाव दाभाडे, एड्रेस यहाँ पे दिया है हिरवाई ट्रस्ट का नाम दिया है बालोद्यान मार्ग तळेगाव दाभाडे। ओके, यहाँ तक आपको समझा। अभी नीचे देखो विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने, आपको यहाँ पे पत्र लेखन में दो ऑप्शन दिए जाएगा उसमें से आपको कोई भी एक लेटर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपको इजी और अच्छे से आप लिख सकते हो वही लेटर आपको लिखना है, नहीं तो आधा लेटर होने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं दूसरा लिखूंगा तो वैसे नहीं चलेगा। आपको कौन सा टॉपिक कौन सा अच्छे से आपको प्रॉपरली लिखना लिखने को आता है वो आपको पहले डिसाइड करना है। आपको एक तो ये पत्र लेखन लिखना है नहीं तो ये पत्र लेखन, दोनों में से एक ही पत्र लेखन लिखना है। ओके, इसके लिए दोनों अच्छे से प्रॉपरली पहले रीड करो उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप कौन सा लिखने वाले हो। ओके, अभी यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो शाळेत वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र। देखो एक विद्यार्थी प्रतिनिधि जैसे स्कूल में कोई स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव रहता है या मॉनिटर रहता है उसके तरफ से लेटर लिखना है, मतलब आपको ये समझना है कि आप खुद विद्यार्थी प्रतिनिधि हो। ओके, ठीक है, आपको विद्यार्थी प्रतिनिधि हो ऐसे समझ के आपको पत्र लेखन लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। अभी पहला जो है वो क्या है, शाळेत वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र, मीन्स स्कूल में उनको वृक्षारोपण ट्री प्लांटेशन करना है। ओके, किसको, तो जो विद्यार्थी है। ओके, वो बोल उसको पत्र लिखना है कि स्कूल में ट्री प्लांटेशन होने वाला है तो उसके वजह से हमारी स्कूल को कुछ छोटे पौधों की जरूरत है। रोपांची मांगनी मतलब क्या, डिमांड करना, जैसे मैंने पहले भी बताया मांगनी पत्र को क्या बोलेंगे हम, डिमांड लेटर, ठीक है। तो मांगनी पत्र करना, मांगनी करना है छोटे छोटे पौधों की, ठीक है, तो ये पत्र आपको लिखना है। अभी ये पत्र किसको लिखना है, तो हिरवाई ट्रस्ट तळेगाव दाभाडे, क्योंकि यही ट्रस्ट वाले लोग क्या करने वाले, फ्री में जो पौधे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं 5 जून को, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ में आया कि हाँ कि किसको किस पत्र लिखना है, कौन लिखने वाला है, क्यों लिखने वाला है, ये क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए तो आप इजीली पत्र लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे याद रखो कि विद्यार्थी प्रतिनिधि सिर्फ लिखा है, यहाँ पे किसी बॉय का लड़के का नाम नहीं लिखा है या लड़की का नाम नहीं लिखा है, ठीक है।
तो नाम नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पर किसको लिखना है वो यहाँ पे लिखा है कि हीरवाई ट्रस्ट को लिखने का है पत्र, और उनको क्या करना है, मांगनी पत्र मतलब डिमांड करना है। ओके, ये हो गया फर्स्ट लेटर। उसके बाद दूसरा है, सेकेंड जो है वो लेटर देखो। पहले आपको दोनों अच्छे से टॉपिक रीड करके देखना है कि दोनों में से आप अच्छे से प्रॉपरली कौन सा लिख सकते हो, वो डिसाइड करके फिर आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है या उपक्रमा बाबत हिरवाई ट्रस्ट चे अभिनंदन करणारे पत्र। अभी ये जो सेकेंड वाला जो है अभिनंदन पत्र है। ओके, पहला जो पहला क्या था, ये मागनी पत्र, और दूसरा है अभिनंदन पत्र। दोनों में डिफरेंस है, याद रखो दोनों सेम नहीं है। पहले पत्र में हमें मांगनी करना है और दूसरे पत्र में हमें अभिनंदन करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। क्यों बोलना है, तो हिरवाई ट्रस्ट ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, इतना अच्छा मतलब उसने उन्होंने कितना अच्छा ये किया है कि एनवायरमेंटल डे के दिन उन्होंने सोचा है कि सबको हम फ्री में क्या छोटे छोटे पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो ये कितनी अच्छी बात है। ओके, तो इसके लिए उनको क्या करना है, अभिनंदन करना है उनका, तो अभिनंदन करनारे पत्र यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ऐसे अगर दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए तो आपको डिसाइड करना है कि हाँ मैं मांगनी पत्र अच्छे से लिख सकता हूँ, तो आपको वैसे मांगनी पत्र में वैसे टॉपिक वैसे सब्जेक्ट विषय में आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या लिखने वाले हो, क्या करने वाले हो। ओके, और फिर आपको पत्र लेखन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों लेटर बताऊंगी कि कैसे लिखना है। पहले हम देखेंगे कि मांगनी पत्र कैसे लिखते हैं। ओके, याद रखो यहाँ पे किसी विद्यार्थी का नाम नहीं दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नाम यूज नहीं करना है। ओके, नाउ सी, पूरा जो पत्र है पहले देख लो, पत्र जो है मैंने जैसे बताया है वैसे पूरा पत्र लेफ्ट साइड में लिखा है। ओके, लेफ्ट साइड में ही लिखना है, राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है, लेफ्ट साइड से ही पत्र लिखना है। यहाँ पे फॉर्मेट भी है, ये सिर्फ जो बॉक्स में दिया है, वेट, ये बॉक्स में दिया है वो आपको वैसे नहीं लिखना है बेटा। ओके, अभी यहाँ पे जैसे बॉक्स में दिया है मैंने बोला आपको वो नहीं लिखना है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए फॉर्मेट कैसे रहता है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो, जो पहले मैंने बताया पत्रासा दिनांक हो, क्या आएगा, दिनांक आएगा। जैसे यहाँ पे दिनांक में क्वेश्चन में क्या दिया है, दिनांक 5 जून, 5 जून को ये प्रोग्राम होने वाला है, तो आप कौन से डेट को, 5 जून को ही पत्र लिखोगे क्या, नहीं, तो आपको उससे पहले का डेट डालना जरूरी है, 2-3 दिन या 1 हफ्ते के आगे पहले हमें लेटर, क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं, हमें कुछ चीजों की मांगनी मतलब डिमांड करनी है, तो हमें पहले ही पत्र लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दिनांक डाला है 1 जून 2021-22 जो भी लिखा रहेगा वो। अभी यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे 2 करके क्रॉस किया है। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो जैसे मैंने कॉमन वर्ड बताया हमें पहले लिखना है प्रति, अभी नीचे क्या आएगा, प्रति के बाद कॉमा देना है, उसके बाद माननीय संचालक। अभी माननीय के आगे हमें क्या वर्ड यूज करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रस्ट को पत्र लिखना है, तो संचालक जो रहता है, जो ट्रस्ट चलाने वाले रहते हैं उसको हमें पत्र लिखना है, इसके लिए यहाँ पे संचालक लिखा है। ओके, आप संचालक की जगह व्यवस्थापक भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे है, ये एड्रेस हमें क्वेश्चन में दिया है, हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग तड़ेगांव दाभाड़े, सेम वही एड्रेस आपको कॉपी करना है, आपको यहाँ वहां से दूसरा एड्रेस मन से एड्रेस कुछ भी नहीं लिखना है, जिसको लिखना है उसका एड्रेस हमें दिया गया है। ओके, सो माननीय संचालक हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग तड़ेगांव दाभाड़े। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, पत्राचा विषय। तो पत्राचा विषय क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, तो वृक्षरोपणासाठी रोपांची मागणी करण्या बाबत। क्या है यहाँ पे देखो, वृक्षरोपणासाठी जैसे मैंने बताया कि हम क्या लिख रहे हैं, पत्र लेखन, पत्र लेखन मतलब क्या, डिमांड कर रहे हैं, किसका डिमांड कर रहे हैं, तो हम हमें क्या चाहिए कि छोटे छोटे पौधे, जैसे मराठी में उसको रोप बोलते हैं, क्योंकि जो हिरवाई ट्रस्ट है वो क्या करने वाले हैं, छोटे पौधे
पौधों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट में लिखना है वृक्षारोपणासाठी रोपाची रोपांची मागणी करण्यासाठी, क्योंकि हमारे स्कूल में वृक्षारोपण होने वाला है, ट्री प्लांटेशन हम करने वाले है उसी दिन 5 तारीख को। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ जो पौधे हैं उनकी जरूरत है, मांगनी करना है, डिमांड करना है। ओके, तो ऐसे हमें ये जो विषय है वो शॉर्ट होना चाहिए। देखो विषय कैसे लिखा है, वृक्षारोपणासाठी रोपांची मांगनी करण्या बाबत। ओके, यहाँ पे पूरा ये परफेक्ट सेंटेंस पूरा आहे कि वा ये ऐसे नहीं लिखना है। तो करण्या बाबत मतलब मांगनी कर रहे हैं ना हम लोग, इसके लिए ये विषय ऐसे आएगा। ओके, विषय बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आएगा, और विषय कंपल्सरी याद रखो क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। नेक्स्ट आएगा माननीय महोदय, जैसे मैंने बताया महोदय, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हिरवाई ट्रस्ट के संचालक लेडीज है या जेंट्स है, वो नहीं पता। हमें क्या करना है, यूज वर्ड कि माननीय महोदय, बस इतना ही लिखा है। उसके बाद कॉमा, कॉमा डाल के जब हम नीचे जो पत्र लिखने वाले है, वेट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ नहीं बनाया गया है, डायरेक्ट पत्र लिखा है। नेक्स्ट लाइन में 5 जून हा जागतिक पर्यावरण दिन आमच्या शाळेत साजरा केला जाणार आहे। या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आपण शाळांना रोपांचे मोफत वाटप करणार आहात। आपल्या ट्रस्टने तशी रोपे घेण्यासाठी ट्रस्टने तशी जाहिरात केली आहे। वृक्षारोपणासाठी आमच्या शाळेलाही काही रोपे हवी आहेत। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मेंशन करना है। देखो ये फॉर्मल लेटर है तो हमें एकदम शॉर्ट लेटर लिखना है। तो उस मैटर में हमें जो मेन बॉडी है लेटर की, बीच में जो मिडल पार्ट है हमारा लेटर का, तो उसमें हमें प्रॉपरली लिखना है कि स्टार्टिंग हमें कैसी करनी है, कि क्यों हम ये मांग रहे हैं, क्योंकि अभी जागतिक पर्यावरण दिन है, उस दिन में दिन क्या करने वाले है, हम वृक्षारोपण करने वाले है। तो उस वजह से हमने आपका जाहिरात देखा, जो एडवर्टाइज है आपने दी है कि आप जो फ्री में और मतलब पौधे देने वाले हो, उस वजह से क्या हमें आपसे कुछ रोप चाहिए, ऐसे करके हमें रिक्वेस्ट करना है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में ये बोलना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जब लिखोगे तब यहाँ पे पैराग्राफ नहीं बनाना है। ओके, डायरेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस यूज कर, नेक्स्ट लाइन में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, रोपे घेण्यासाठी शाळा प्रतिनिधींना तेथे यावे लागेल का, कि आपण आपल्या संस्थे मार्फत रोपे शाळेच्या पत्त्यावर पाठवू शकाल, या बाबत कळवण्यास सोयीचे होईल। यहाँ पे आपको ये पूछना है कि जो पौधे आप देने वाले हो वो लेने के लिए हमें वहां पे आना पड़ेगा आपके यहाँ पे, या आपके ट्रस्ट के तरफ से यहाँ पे आके हमें देने वाले हो। ये थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो ये इन्फॉर्मेशन कळवण्यात यावे या कळवल्यास सोयीचे होईल, मतलब हमें अच्छा रहेगा अगर हमें समझ में आएगा कि आप क्या करने वाले हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो। ओके, या अगर आप देने वाले हो तो हमारे स्कूल के एड्रेस पे आप देने वाले है क्या नहीं, वो पहले पूछना है। ओके, उसके बाद क्या आएगा कि अभी यहाँ पे ये डिमांड लेटर है, इसके लिए हमें क्या करना है, तो मांगनी करना है। तो यहाँ पे हमने मांगनी डिमांड करना है, तो डिमांड करने के लिए हमेशा लिस्ट बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट में छोटा लिस्ट बनाना है, ज्यादा बड़ा लिस्ट नहीं बनाना है, 10-20 या ज्यादा कुछ नाम नहीं डालना है, कुछ 3-4 या 4-5 पौधों के नाम लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे टेबल बनाया है, अनुक्रमांक, सीरियल नंबर, फिर रोपांचे प्रकार और संख्या। संख्या मतलब कितनी क्वांटिटी, वो कितने पेड़ पौधे या कितने चाहिए वो हमें लिखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रोपांच्या नावांची यादी जोड़त आहे, मतलब लेटर के साथ हम वो जो लिस्ट है, हमें जो भी रोप चाहिए उनकी लिस्ट में भेज रहा हूँ। ऐसे विविध फूलझाड़े 50, विविध औषधि रोपे 25, अशोक 50, नीलगिरी 50। अभी यहाँ पे कुछ पौधों के नाम लिखे, अगर आपको और किसी पौधों के नाम आते हैं तो वो लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पर ज्यादा यहाँ पे हमें लेटर बड़ा नहीं करना है, जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये फॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पे अशोक नाम का ये फ्लावर्स है, वो हमें कितने चाहिए, तो जो पेड़ पौधे है वो हमें 50 चाहिए। नीलगिरी नाम के जो पौधे है वो हमें 50 चाहिए। औषधि रोपे मतलब जो मेडिकल रहते हैं, मेडिसिन के ये पौधे, तो वो 25 चाहिए। तो ये आप आपके मन से लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, वो आपके मन से आपको ऐड करना पड़ता है कि कितने चाहिए, कौन से चाहिए। ओके, इसके लिए आपको पौधों के नाम पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको
4 to 5 पौधों के नाम आना चाहिए लिखने को। ओके, लिस्ट होने के बाद ऐसे टेबल लिस्ट ऐसे ही लिखना है, टेबल बना के ही लिखना है, याद रखो। उसके बाद लेफ्ट साइड में ही हमें लिखना है अपला कृपाभिशाली। अभी जैसे मैंने आपको बोला अपला विश्वासु भी आप लिख सकते हो, नहीं तो अपला कृपाभिशाली भी आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि का नाम नहीं दिया है, इसके लिए यहाँ पे अ ब क लिखा है विद्यार्थी प्रतिनिधि। नीचे आपको ज्ञानदीप विद्यालय लिखा है, देखो यहाँ पे विद्यालय का स्कूल का नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप किसी भी स्कूल का, अपने स्कूल का या किसी भी स्कूल का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्कूल का नाम नहीं है, पर स्कूल का नाम लिखना जरूरी है क्योंकि आप स्कूल की तरफ से लेटर लिख रहे हो। अभी स्कूल कहाँ पे रहेगा, वही पे है जहाँ पे ट्रस्ट है, इसके लिए है वही एड्रेस में लिखना है, तड़ेगांव दाभाड़े, ठीक है, वो एड्रेस आएगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट में एंड में आपको लिखना है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप ऐसे abc@ जो भी आगे जीमेल या yahoo.com gmail.com ऐसे लिखना है वो आप लिख सकते हो, पर ईमेल लिखना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका मागनी पत्र, ऐसे आपको मागनी करना है, डिमांड करना है, ये लेटर हो गया मागनी पत्र। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने मागनी पत्र देखा अभी वैसे ही हमें अभी आपको एक और है अभिनंदन पत्र बताऊंगी कि अभिनंदन पत्र में क्या लिखेंगे। तो अभिनंदन पत्र में भी वैसे ही फॉर्मेट यूज करना है, सिर्फ यहाँ पे जो हमने मागनी पत्र में लिस्ट बनाया था वैसे वो लिस्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दिनांक 6 जून, ओके, अभी ये दिनांक बाद में क्यों आया, क्योंकि हम लोग ये प्रोग्राम होने के बाद उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाले, अभिनंदन करने वाले कि इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, अच्छा किया, इसके लिए ये बाद में डेट डालना है। ओके, पहले नहीं अभिनंदन किया जाता है, प्रोग्राम होने के बाद अभिनंदन किया जाता है, इसके लिए ये 6 जून डाला है, 6 जून। प्रति माननीय संचालक हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग तड़ेगांव दाभाड़े। ओके, सेम वही एड्रेस जैसे वहां पे लिखा था वैसी एड्रेस है। विषय, विषय में यहाँ पे क्या आएगा, तो चांगल्या उपक्रमा बद्दल हिरवाई ट्रस्ट के अभिनंदन करने वाला, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम रखने के वजह से हिरवाई ट्रस्ट का हम अभिनंदन करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। माननीय महोदय, ओके, जैसे मैंने बताया माननीय महोदय हम यूज करते हैं। स न वी वी, दर वर्षी आम्ही शाळेत 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करतो। पर्यावरण संवर्धन करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे, या उपक्रमामुळे लोकांमध्ये जागृती निर्माण होते। देखो पहिले स्टार्टिंग के 2 लाइन हमें लिखने हैं कि हर साल हम क्या करते हैं कि 5 जून को जो एनवायरमेंटल डे रहता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, तो वो हम ये करते सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ सके पर्यावरण के बारे में, इसके लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें मेन जो चीज है वो लिखनी है, क्या है, तो या वर्षी हिरवाई ट्रस्टच्या वतीने या दिनानिमित्त रोपांचे मोफत वाटप करण्यात आले। झाडे लावा झाडे जगवा हे घोषवाक्य सर्वत्र झळकत होते। आपण शाळा महाविद्यालयांना तसे सामाजिक संस्थांना रोपांचे वाटप केले, आपण हे काम तळमळीने करीत आहात, यासाठी आपले खूप अभिनंदन। अभी जो मेन पार्ट है हमें अभिनंदन के लिए लिखा है, वो हमें लिखना है, अभिनंदन करना है उनका कि आपने इस साल जो अच्छा काम किया है, पूरे बहुत सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, संस्थाओं को, एनजीओस को आपने फ्री में जो पौधे का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने इस साल। झाड़े लावा झाड़े जगवा, ये जो स्लोगन आपने सब जगह आपका ये हो रहा था, फिर उसके वजह से बहुत सा अच्छे से प्रोग्राम आपका हुआ, उस वजह से आपको आपका बहुत बहुत अभिनंदन, ऐसे लिखना है। उसके बाद लिखना है सर्व रोपांमध्ये विविधता होती, वाटपाचे नियोजन उत्तम होते, माहिती पत्रकातील माहिती सुबोध व खूप उपयुक्त होती, आपल्या संस्थेच्या या वेगळ्या उपक्रमासाठी मनपूर्वक अभिनंदन व पुढील उपक्रमांसाठी सदिच्छा। और एक बार हमें अभिनंदन करना है और बोलना है, बताना है कि आपने जो प्रोग्राम आयोजित किया था, जो नियोजन था आपका, जो प्लानिंग था, बहुत अच्छा था, और सब जो पौधे थे वो अलग अलग टाइप के पौधे आपने यूज किए, आपने जो उसमें इंफॉर्मेशन दिया था अलग अलग टाइप के जो पौधों का या ट्रीज का जो इन्फॉर्मेशन दिया वो भी बहुत अच्छा था, ऐसे उनको बोलना है और उनको अभिनंदन करना है। ओके, लास्ट एंड में हमें लिखना है आपला कृपाभिशाली या आपला विश्वासु। यहाँ पे अ ब क और ये भी लेटर विद्यार्थी प्रतिनिधि ही लिख रहा है, इसके लिए यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि ज्ञानदीप विद्यालय तड़ेगांव दाभाड़े,
वही यूज करना है, लिखना है। और एंड में हमें क्या लिखना है, तो ईमेल एड्रेस, जैसे मैंने बताया कि ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है abc@gmail.com, नहीं तो yahoo.com, ऐसे बना के आपको खुद का ईमेल एड्रेस नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे अच्छे से आपको दोनों में से एक लेटर आपको लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, एक ही लेटर का अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, तो जितना आपका अच्छे से लिख के प्रैक्टिस होगा उतना आप अच्छे से पत्र लेखन लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, तो आप अच्छे से प्रॉपरली लिख सकते हो और अच्छे से। तो दूसरे और क्वेश्चंस के आप रीड करके प्रैक्टिस करो, समझ के लो। ओके ओके, दैट्स इट, थैंक यू। हेलो, हेलो।